24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, ये 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता योजना लागू किया गया है, जिसमें नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता जैसे राशि का प्रावधान किया गया। कांग्रेस इसे निराशाजनक बजट बता रही है। उनका ये कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि की जानी थी, इसकी घोषणा के लिए पूरे देश भर के किसान इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस को तो निराश होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा लोकप्रिय बजट आया है कि आने वाले चुनाव वर्ष में ये अपने आप में ट्रंप कार्ड साबित होगा और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन इसमें मिलेगा। जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ रुपया की राशि किसानों को अभी तक दिया है इन योजना में। डॉक्टर साहब, बजट आने के बाद प्रदेश सरकार अपनी पीठ इस बात के लिए भी थपथपा रही है कि चाहे जैविक खेती की बात हो, जिसका जिक्र बजट में है, या गोबर की बात हो, या मिलेट्स की बात हो, इन तमाम बातों का जिक्र हुआ है इस बार बजट में, और प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री रवि चौबे कह रहे हैं मिलेट को बढ़ावा देने की योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहले से है और मिलेट को बढ़ावा देना ही चाहिए। राज्य सरकार मिलेट का नाम भर लेती है, मगर मिलेट की आज तक खरीदी की कोई एक भी व्यवस्था पूरे प्रदेश में नहीं कर पाई है। मिलेट के प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी खेती से जोड़ने का प्रयास होगा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, इससे आप छत्तीसगढ़ की सरकार को कर्ज से दबी सरकार कहते रहे हैं, और अभी एक आपका पॉइंट आया कि ज्यादा कर्ज लेकर भी राज्य सरकारें अपना काम चला सकती हैं, तो अब आगे इनको क्या और कर्ज ले लेना चाहिए क्या? अरे कर्जा ले भैया, मगर कुछ तो करे। कर्जा ले रहा है मगर न सड़क बन रहा है, न पुल बन रहा है, न स्कूल बन रहा है, न अस्पताल बन रहा है, नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरा बर्बाद कर दिया। कर्जा लोग कर्जा लेने में आपत्ति नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि कर्जा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है वो तो 0/0 है। धन्यवाद सर। मीठा उठा कुछ खिलाए भैया? नहीं खिलाए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसे मुंह मीठा कराने वाला बजट कह रही है। उनका कहना है कि सरकार ने हर किसी की उम्मीद इस बजट के माध्यम से पूरी की है, लेकिन बजट पेश होने के साथ ही जिस तरह से हर बार होता है कि इसकी आलोचना भी की जाती है, तो जो विपक्षी दल है वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसे लगातार पुलिंदों का बजट बता रही है, तो बीजेपी इसे एक बड़े स्तर पर देख रही है। उसका कहना है कि सभी की उम्मीदों पर केंद्र सरकार का यह बजट खरा उतरा है।